नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी, आर्थोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक जिसको रोटेटर कफ टियर बोलते हैं, जो हमारे कंधे की मांसपेशी है। जो ये मान लीजिए हमारा कंधा है, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल होगी, इस बॉल के ऊपर आके ये जुड़ती है। इसका काम होता है हमारे कंधे को ऊपर उठाना, जिसमें पेशेंट का हाथ ऊपर उठ नहीं पाता तो वो उसका सिम्टम है। अब ये होता क्यों है? जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये जैसे ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग उनके अंदर होता है, ओल्ड एज में जैसे शरीर के बाकी भाग हिस्से हैं, तो ये जो इसका टेंडन होता है, रस्सा होता है, वो भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और कमजोर पड़ी हुई चीज़ को कभी आप कोई चीज़ हल्की सी भारी चीज़ उठाएंगे, झटका लगेगा, तो वो टियर हो जाएगा। कई बार पार्शियल टियर्स भी होते हैं। मान लीजिए कोई कागज़ है वो आधा फटा हुआ है, तो एकदम झटका लगने से वो पूरा टियर हो जाएगा। तो ये हमारे दो कारण हो गए इसके। और इसके सिम्टम क्या होंगे? मरीज अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पाएगा, ये कंप्लीट टियर में हाथ अगर ऊपर उठाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। और पार्शियल टियर के अंदर अगर जोर से हाथ उठाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कंधे में दर्द महसूस। आम तौर पर सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड या जिसको डायग्नोज नहीं कर पाते सुपरास्पिनेटस टियर है, क्योंकि जो इसके नॉलेज है वो बहुत कम है, बहुत कम रिसर्च है, तो इसलिए नेग्लेक्ट होता रहता है। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है दोस्तों, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है दूरबीन से इसका ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये रस्सा टूट गया, इसको एंकल्स के साथ पकड़ के वापस हड्डी के ऊपर जोड़ देते हैं। पार्शियल टीयर के अंदर लगभग 1.5 महीने में आपके हाथ की मूवमेंट पूरी आती है। कम्प्लीट टीयर मतलब पूरा का पूरा आपका टेंडन उखड़ के दूर चला गया है, तो इसके अंदर लगभग आपका 21 दिन में आपकी मूवमेंट शुरू कराते हैं, लगभग 2 से 2.25 महीने में आपकी मूवमेंट पूरी आ जाती है। इसको नेगलेक्ट करने का, अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराते तो कभी भी आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा। और एक समय के बाद लगभग 6 से 12 महीने बाद ये इरिपेरेबल कफ में चला जाता है, क्योंकि पीछे जाके जुड़ जाता है मांस और इसको वापस लाके जोड़ना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो इसके लिए फिर आपको बड़े प्रोसीजर जिसमें रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कंधे का जोड़ बदलने का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी और आप इसका उपयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।